गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ESS YouTube चैनल आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री दोष के जितने प्रकार थे उसका हम लोग स्टडी करेंगे। उस वीडियो में पूरा नहीं आ पाया इसलिए इसको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रिक्ति दोष। कौन दोष? ये स्टोइकोमेट्री दोष के प्रकार हैं। तो जब किसी जालक में जालक बिंदु, जब किसी जालक में जालक बिंदु अथवा अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से कहते हैं गायब हो जाता है, तो उत्पन्न दोष को हम रिक्ति दोष या रिक्तिका दोष कहते हैं। कौन दोष बोलते हैं? रिक्तिका दोष, ठीक है। और इसका घनत्व तो कहते हैं घटता। देखिए, समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एक कैमरा है और कैमरा में 100 लोग बैठे हैं और 100 लोग में से 2 लोगों कैमरा से कहे गायब हो गए। तो गायब होने के बाद क्या हम लोग देखेंगे कि जैसे ही गायब होंगे वहां पर एक उनका स्थान खाली हो जाएगा, उनका स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो उस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्ति दोष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। उसमें जो भी अवयवी कण जो रहेगा या जालक बिंदु रहेगा अपने क्या होता है निर्धारित स्थान से कहते गायब हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्ति दोष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो रिक्ति दोष समझ गए? रिक्ति दोष किसे कहते हैं? जब किसी जालक में जालक बिंदु क्रिस्टल जालक से क्या होता है गायब हो जाता है, तो उस प्रकार के दोष को हम लोग रिक्ति दोष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, या उसी को रिक्तिका दोष भी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रिक्तिका दोष के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, चलिए अगला हम बात करेंगे कि जैसे मान लेते डायग्राम बना है, ए कोई क्रिस्टल जालक है जिसमें अवयवी कण है और अवयवी कण यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो ब्लू कलर से जो डब्बा बना है वह रिक्त स्थान हो गया है, क्योंकि वहां से हमारा जो ब्लैक वाला जो बिंदु है वहां से गायब हो गया है। तो जो गायब होने के बाद जो दोष उत्पन्न होता है तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? रिक्तिका दोष के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा बाबू कि मान लेते हैं कि 100 लोग जिस रूम में बैठे हैं, है ना, जितना उनका स्थान होगा तो वो स्थान वही ना रहेगा, वो स्थान तो नहीं ना लेकर जा रहे हैं, वो खुद अपने आप को लेकर जा रहा है ना, तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनका दरमियान घट जाएगा। उसका दरमियान क्या होगा? घटेगा। जब दरमियान घटेगा तो घनत्व तो भी क्या होगा? घटेगा। इसलिए बोलते हैं कि रिक्तिका दोष का जो घनत्व तो होता है वो क्या होता है? घटता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, तो वही बोलिएगा जब क्रिस्टल जालक से जालक बिंदु या अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और याद रखिएगा इससे परिभाषा इसके नामे पर पता चल जा रहा है, ठीक है ना। तो रिक्तिका दोष किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कभी भी ठोस वाले चैप्टर को पढ़िएगा तो इसमें क्रिस्टल जालक को मत छोड़िएगा, जहां भी परिभाषा आएगा वहां क्रिस्टल जालक लगा दीजिएगा, आपका परिभाषा सबसे टेबल हो जाएगा। ओके, चलिए अंतरकाशी दोष। नामे से अंतरकाशी, क्रिस्टलीय जालक में कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं और इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मान लिया जाए, देखिए फिगर से समझिएगा, है ना, ये फिगर से आप लोगों को समझना है, ठीक देखिएगा, क्रिस्टलीय जालक में कुछ अवयवी कण अंतरकाशीय स्थानों में चले जाता है, तो उत्पन्न दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक जो पहले से अवयवी कण हमारे विद्यमान है तो वो अवयवी कण के मान में तो कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन और ही कोई बाहर से उसमें अंदर आ गया, देखिए जहां जहां जो खाली स्थान इन्हीं के ऊपर आया है, ब्लैक ऊपर नहीं आया, ब्लैक बिंदु के ऊपर नहीं आया, बल्कि जो उसके गैपिंग स्थान है, जो उसका गैप स्थान है, तो उस गैपिंग स्थान में जो आता है तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरकाशी दोष के नाम से क्या करते, जानते हैं। जैसे आप लोग भी खुद देखते होंगे
जो कि हम लोग कहीं क्वेश्चन में देखे होंगे कि जब सब लड़के बेंच पर बैठ जाते हैं तो कुछ लड़के क्या होते हैं कि इधर से लड़के बैठे रहते हैं, कुछ लोग बाहर से टेबल लाते हैं और उनके अंतरकाश में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बैठने वाला जगह नहीं है, ओरिजिनल में बैठने वाला जगह नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं उसी में आकर टेबल आकर बैठ जाते हैं, तो वो क्या है उन दोनों के अंदर बैठे हैं, तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं अंतरकाशी दोष के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ओके बाबू, अब ध्यान दीजिए करवा, इसका भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जितना कमरा कैमरा हम लोग का है कमरा उतना ही कमरा रहेगा, ये नहीं कि उनको आने से हम क्या किए कि कमरा को तोड़वा दिए बढ़ा दिए, नहीं, वो अंदर आकर अंतरकाशी में बैठे हैं तो आयतन कमरा वही रहेगा लेकिन दरमियान बढ़ेगा, जब दरमियान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा बढ़ेगा, इसलिए याद रखिएगा कि अंतरकाशी दोष का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बढ़ता है, अंतरकाशी दोष का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बढ़ता है। आप लोग समझ गए होंगे कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं और अंतरकाशी दोष किसे कहते हैं, ठीक है, तो यही बोलिएगा कि जब क्रिस्टल जालक से कुछ जब क्रिस्टल जालक से अवजवी कण अपने अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं रिक्तिका दोष बोलते हैं या रिक्ति दोष बोलते हैं। रिक्तिका दोष का घनत्व क्या होता है घटता है, समझ गए क्यों घटता है, अंतरकाशी दोष तक क्रिस्टलीय जालक में कुछ अवजवी कण अंतरकाशीय स्थानों में जाकर चले जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को अंतरकाशी दोष कहते हैं और इसका घनत्व कहते हैं बढ़ता है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि घनत्व बराबर दरमियान बटा आयतन, तो इसमें दरमियान क्या था, इसमें घट रहा था, इसमें दरमियान क्या है घटता है, इसलिए घनत्व भी क्या होता है घटता है, और इसमें दरमियान क्या होता है बढ़ता है, इसलिए क्या होता है बढ़ जाता है, और ये घटता था, ठीक है, तो इसमें इसका दरमियान घटता था इसलिए क्या होता था घटता था, बढ़ता था इसलिए बढ़ता था, ठीक है। एक और बात, यह दोनों दोष आयनिक ठोस में आते, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि आयनिक ठोस में कौन कौन आता है, तो रिक्तिका दोष और क्या होता है अंतरकाशी दोष, रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष किस प्रकार के ठोस है तो आयनिक ठोस है, अनआयनिक ठोस है, अनआयनिक जिसमें आयन होता नहीं, अनआयनिक मतलब इसमें आयन कोई होता ही नहीं। ओके चलिए, अब लेकिन सॉल्ट की दोष, कौन दोष सॉल्ट की, ठीक है, तो वह दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन, वह दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन दोनों समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं सॉल्ट की दोष कहलाते हैं। अब ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट की दोष किसे कहते हैं, तो देखिएगा ये अनायनिक है इसमें आयन का बात नहीं किया गया था, लेकिन ये जो सॉल्ट की दोष है जो फ्रेंकल दोष होता है ना दोनों आयनिक है, क्या है आयनिक ठोस का है दोष है, इसीलिए इसमें आयन का बात करेंगे, ठीक है, तो वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं सॉल्ट की दोष कहलाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन को लिए हैं और हमारा क्या किया कि यहाँ से जो धनायन और यहाँ से एक ऋणायन क्या हो गया गायब हो गया, गायब मतलब हट गया, गायब हो जाएगा है ना, मतलब ये स्थान का खाली हो जाएगा, स्थान क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो उस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं सॉर्ट की दोष के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और एक बात याद रखिएगा बाबू कि सॉर्ट की दोष में क्या होता है कि जितना धनायन गायब होगा उतनी ही मात्रा में ऋणायन भी गायब होता है, इसलिए इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं सॉर्ट की दोष के नाम से क्या करते हैं और जानते हैं। और एक और बात, जब गायब होगा तो आप ही बताइए बाबू, जब गायब होगा तो क्या इसका घनत्व, क्या इसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा, घनत्व क्या होता है इसका घटता है, ठीक है, तो घनत्व इसका क्या होगा बाबू, इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा घनत्व घटता है, घनत्व क्या होता है इसका घनत्व क्या होता है घटता है, ठीक है, तो समझ गए कि सॉल्ट की दोष किसे कहते हैं, तो वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों समान मात्रा में क्रिस्टल जालक से गायब हो जाते हैं सॉल्ट की दोष कहलाता है, कौन दोष कहलाता है सॉल्ट की दोष, सॉल्ट की दोष का घनत्व क्या होता है घटता है। ओके, अब देखिए फ्रेंकल दोष कौन दोष होता है, फ्रेंकल दोष, तो वह दोष जिसमें धनायन एवं ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब नहीं होते हैं बल्कि क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं, क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं फ्रेंकल दोष कहलाता है, कौन दोष कहलाता है फ्रेंकल दोष कहलाता है, और यह दोष धनायन के कारण उत्पन्न होता है क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है छोटा होता है। एक बार ध्यान देने वाला कि फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि बल्कि इसमें धनायन ऋणायन गायब नहीं होता है बल्कि उसमें धनायन जाकर वो फंस जाता है, निकल नहीं पाता है बल्कि फंस जाता है,
है ना, उसके अंतरकाशीय स्थान वो निकलने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है, बल्कि उसके गैपिंग में कहकर फंस जाता है। क्यों फंसता है? क्योंकि उसका धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। तब फंसने के कारण वो गायब नहीं हो पाता है, इसलिए इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे आप लोग खुद देखिए, मान लेते हैं कि आप लोग कोचिंग करते हैं, बेंच पर बैठे होते हैं, जब छुट्टी होता है तो आप लोग सोचते हैं कि जल्दबाजी निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो जब नहीं निकल पाते हैं तो उस दोस्त को समझिएगा वो कौन दोस्त है, फ्रेंकल दोस्त है। और कौन लोग फंसेंगे? जो लोग छोटे होंगे, बड़े लोग तो थका देकर निकल जाएंगे, हाँ जो लोग छोटे लोग होंगे वो क्या होंगे, उसमें फंस जाएंगे। तो उस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होगा उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष में अंतर। अब क्या बात करने जा रहे हैं बाबू, शॉटकी एवं फ्रेंकल दोष में क्या है अंतर? नहीं, एक बात और समझ लीजिएगा, इसका डायग्राम समझ लीजिए, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, और इसके डायग्राम को यहां बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो डायग्राम हम यहां बना रहे हैं, देखिए बाबू यहाँ डायग्राम बना रहे हैं इसका फ्रेंकल दोष का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ, यहाँ लिए Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, ओके। अब इसमें क्या होता है बाबू कि ये जो धनायन होता है ना, बल्कि गायब नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर आकर बल्कि फंस जाता है। ये गायब नहीं होता है, बल्कि यहाँ बीच में आकर क्या होता है, फंस जाता है। तब समझ गए होंगे कि फ्रेंकल दोष क्या कहलाता है। तो बल्कि क्या होता है कि यहाँ से हटकर वहां जाकर बैठ जाता है, गायब नहीं होता है, क्रिस्टल जालक से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से आकर बल्कि यहीं पर क्या हो जाएगा, फंस जाता है। देखिए फंस गया है, है ना। तो आप ही बताइए कि क्या इसके जितना था उतना ही ना है? अगर पहले हम 12 को खाली था, 1 2 3 4 4 8 4 12 को था, जब यहाँ से गायब भी हुआ था, कौन गायब हुआ, धारायण, लेकिन गायब होकर बाहर थोड़े चल गया है, वो बल्कि उसी क्रिस्टल जाले के अंदर कहीं जाकर फंस गया, बीच में दोनों के बीच में क्या हो गया, फंस गया है। तो फंस गया है तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम फ्रेंकल दोष के नाम से क्या करते हैं, अरे जो डायग्राम है फ्रेंकल दोष है, कौन दोष है, फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष। इसका घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है, समझिए कहे रहता है। अरे भाई जब इसमें फंसिए गया है तो इसके दरमियान में बढ़ेगा घटे कहां से, तो जब दरमियान बढ़े घट में नहीं करेगा तो क्या उसका घनत्व बढ़ेगा क्या, घटेगा नहीं ना, इसलिए ये अपरिवर्तित रहता है। तो किसका एग्जांपल है बाबू, फ्रेंकल दोष का। तो जब आप लोग नोट्स करिएगा तो थोड़ा अच्छा से इसको फ्लियर में लिख लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम बात करें शॉटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर, शॉटकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में अंतर। तो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष है, तो इसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में गायब हो जाते हैं, सही है बात, इसमें धनायन ऋणायन समान मात्रा में गायब होते हैं, इसमें धनायन ऋणायन गायब नहीं होते हैं क्योंकि धनायन क्रिस्टल जालक में फंस जाता है, हाँ ना, इसमें धनायन ऋणायन गायब नहीं होता है क्योंकि इसमें धनायन क्रिस्टल जालक में फंस जाते हैं, ओके। इस दोष को रिक्ति दोष कहते हैं, समझ गए, क्यों रिक्ति दोष बोलते हैं शॉटकी को, क्योंकि इसमें गायब हो जाता था तो वह खाली स्थान बनेगा ही बाबू। और ये क्या है, ये गायब नहीं होता है भाई, उसके अंदर ही फंस जाता है, तो फंसेगा तो उसके अंदर ही ना है, इसलिए इस दोष को हम लोग अंतरकाशी दोष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ओके। यह प्रबल आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, याद रखिएगा कि ये प्रबल आयनिक, कि दोनों आयनिक यौगिक है, शॉटकी और जो फ्रेंकल है दोनों आयनिक है, और अंतरकाशीय जो रिक्ति है दोनों अनायनिक है, ठीक है। तो देखिएगा, तो ये या प्रबल आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, आयन भी, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक, लेकिन अंतर क्या है कि प्रबल में पाया जाएगा, मजबूत में पाया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है बाबू, इस एग्जांपल को बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई ध्यान रखिएगा, बोलेगा कि वह कौन ऐसा दोष है
वह कौन ऐसा यौगिक है जो दोनों प्रकार के दोषों में पाया जाता है, तो एजीबीआर दोनों में है और ये हमेशा ही दावे पूछता है वह कौन ऐसा दोष है जिसमें दोनों प्रकार के दोष, कौन ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाया जाता है, तो क्या बोलेगा एजीबीआर एक ऐसा यौगिक है जिसमें दोनों प्रकार के दोष का अवतर पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? दूसरा, इस दोष का घनत्व घटता है, हम बात है घटेगा, देखिए हम लोग इस दोष का घनत्व घटता है, इस दोष का घनत्व कहते हैं अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है, न घटेगा न बढ़ेगा। तो याद देखिए बाबू, इस शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या है अंतर है, तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। देखिए एक दोष का प्रकार है रिक्ति दोष, अंतरकाशी दोष, फ्रेंकल दोष और क्या है शॉर्टकी दोष, सबका जान गए, फिर से बात रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए रिक्ति दोष, तो जब किसी क्रिस्टल जालक से जालक बिंदु या औदरीकरण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को रिक्ति दोष बोलते हैं। ठीक है, रिक्ति दोष या रिक्ति का दोष का घनत्व घटता है। अंतरकाशी दोष, तो क्रिस्टल जालक में कुछ औदरीकरण अंतरकाशी में चले जाते हैं तो उस प्रकार के दोष को हम लोग अंतरकाशी दोष कहते हैं और अंतरकाशी दोष का जो घनत्व होता है वो क्या होता है बढ़ता है। क्लियर है, और क्या लिखिएगा, रिक्ति दोष और अंतरकाशी दोष जो दोनों होता है आयनिक ठोसों में पाया जाता है, किस प्रकार अनायनिक ठोसों में पाया जाता है जिसके पास आयन न हो। क्लियर है, उसके बाद हम लोग का बात करेंगे शॉर्टकी दोष, तो वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में गायब हो जाते हैं, ऋणायन और धनायन क्रिस्टल जालक से समान मात्रा में गायब हो जाते हैं तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष बोलते हैं, और फ्रेंकल दोष वह दोष जिसमें धनायन ऋणायन क्रिस्टल जालक से गायब नहीं होते हैं बल्कि उसमें धनायन जो होता है क्रिस्टल जालक में जाकर फंस जाता है। क्यों फंसता है, क्योंकि धनायन का आकार जो होता है ऋणायन के आकार से छोटा होता है। ओके, तो उस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं फ्रेंकल दोष के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। शॉर्टकी दोष का घनत्व का आकार घटता है, फ्रेंकल दोष का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, कंफर्म है? तो इस वीडियो में इतने ही, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।